सो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, तो आगे भी बढ़िया रहना। तो मेरे भाई लोग, आज मैं आ चुका हूँ फ्री फायर से रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी हाँ गाइस, जो चीज आपको थंबनेल के अंदर दिखाया गया है, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड गाइस, इस वाला एप्लीकेशन के अंदर आपको कलर फिल्टर, हाईली ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन एंड हाई जनरल सेंसिटिविटी के साथ साथ हाई FPS, CPU कूलर, रैम बूस्टर जैसे और भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स इसमें आपको मिल जाता है, जो कि आपका गेमिंग परफॉर्मेंस लेवल को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाला एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है एंड इस वाला एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले गाइस, मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जैसे कि ये बात आप लोगों को पता ही होगा कि अभी के समय फ्री फायर के हर एक यूट्यूबर्स के साथ ये प्रॉब्लम जरूर से हो रहा है कि वो कितना भी अच्छा वीडियो बना ले, फिर भी उनके वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है। तो इसीलिए गाइस, गेमिंग वीडियो क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे एंड अगर आप भी मेरे बातों से एग्री करते हैं तो ये वाला वीडियो को लाइक करे, शेयर करे एंड गाइस, रियल गेमर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे। तो दोस्तों, मेरा नाम है हनी और आप देख रहे हैं रियल गेमर्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला वाला जो JPEG टूल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपके सामने और एक पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आता है वो है गाइस ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पर कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है गाइस रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको 1080p पर सेट कर देना है। उसके बाद गाइस, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है गाइस रिडायरिंग क्वालिटी। तो यहाँ पर स्मूथ रहेगा, आपको स्टैंडर्ड पर कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद जो नंबर 4 पे जो ऑप्शन आता है वो है गाइस शैडो। तो शैडो यहाँ पर आपको अल्ट्रा पर कर देना है। उसके बाद गाइस, नंबर 5 पर जो ऑप्शन आता है वो है गाइस शैडो डिस्टेंस। तो यहाँ पर शैडो डिस्टेंस आपको स्टैंडर्ड पर कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको नीचे चले आना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं लाइटनिंग इफेक्ट्स। तो यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट्स को आपको हाई कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है गाइस कलर फिल्टर। तो यहाँ पर कलर फिल्टर आपको अल्ट्रा पर कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो अप्लाई वाला बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। एंड गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे अप्लाई सक्सेसफुल लिखा आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आ जाना है बैक। बैक आने के बाद गाइस, जो दूसरा काम आपको करना है वो है गाइस रैम टेस्ट। तो यहाँ पर रैम टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर नीचे जो रिफ्रेश वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पर रिफ्रेश हो जाने के बाद आपको चले जाना है बैक। बैक आने के बाद गाइस, यहाँ पर जो नीचे बूस्टर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो नीचे जो बूस्टर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको प्रेस कर देना है। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हैं नीचे कंप्लीट लिखा आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको बैक चले जाना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ से चले जाना है आपको बैक। एंड ये वाला एप्लीकेशन आपको बैकग्राउंड से हटाना नहीं है, इसको चलने देना है बैकग्राउंड के अंदर एंड अपना फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स जो भी गेम है आपके डिवाइस के अंदर उसको कर लेना है ओपन। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो में दिखाए हुए सारे सेटिंग आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है इस वाला वीडियो के रिलेटेड, तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो मेरा इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं हर एक बंदे का रिप्लाई जरूर से देता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।